मेरे से भी ज्यादा, बट थोड़ा सा ऐसा कहते हैं ना जब तो आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है आप दूसरों को बताएं, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और दूसरों का नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप भाई मेरे माइनस आएंगे तो मेरी वो गलती भी ठीक होगी। Just let us escape and fly away tonight. मेरा नाम आपका आशीष और आप देख रहे हैं FSAD फ्री यूट्यूब चैनल। आज आज आपको बताएंगे कि इन ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है, इन ब्रीडिंग के मतलब कोई चीज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इन ब्रीडिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि अगर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले मिल सके। फिर अगर लास्ट तक वीडियो देखेगा आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हुए इन ब्रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन ब्रीडिंग के फायदे हैं या नुकसान हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तो आप बात करते हैं इन ब्रीडिंग क्या होती है। इन ब्रीडिंग ये होती है कि एक बर्ड हमारे पास आया, ठीक है, हमने इसे ब्रीड करवाया, जो हमारे पास बच्चे आए हैं, ठीक है, अगर फर्ज कर ले वो मेल फीमेल निकल आते हैं, हम उन दोनों को आपस में पेयर अप कर देते हैं, यानी कि बहन भाई का रिश्ता बना देते हैं, तो समझ ले कि ये इन ब्रीडिंग है। या जो बच्चा निकला है उसकी माँ के साथ लगा देते हैं, या उसके बाप के साथ पेयर अप कर देते हैं, या उसके दादा के साथ पेयर अप कर देते हैं, या चाचा के ताई के साथ, यानी कि कजन के साथ, यानी जितने भी रिश्तेदारों में उनको बनेंगे ना उनको आपस में पेयर अप कर देना, ये इन ब्रीडिंग कहलाता है। उसके क्या नुकसान है, उसके क्या फायदे हैं, इस वीडियो में जो आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं इन ब्रीडिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ जो ब्रीडर हजरात है, ठीक है, जो भाई वाले, वो उनका कहना है कि अगर हम इन ब्रीडिंग नहीं ना करते, ठीक है, हमारे पास नई म्यूटेशन नहीं बन सकती, ठीक है, क्योंकि आप न्यू सेंचुरी ले ले लें, ठीक है, उसने 1,00,000 रुपए खर्च करके एक पेयर ले लिया, फिर डाइल्यूट एक ले लिया, ठीक है, उसमें से वो स्प्रिंग बनाएगा, फिर उसके बाद दूसरी चीज नहीं होगी स्प्रिंग की, वो फिर करेगा कि बहन भाई को आपस में पेयर कर देगा। फिर कर सकते हम ये नहीं, ये हम नहीं कर सकते। 3 जनरेशन तक जो है ना हम इन ब्रीड कर सकते हैं, बल्कि हमें जो है ना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है ब्लड लाइन हमारी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, ठीक है, बट फिर जल्दी सर्वाइव नहीं करता। आप ऐसे अल्बाइनो भी ले लें, ठीक है, वो कमजोर ब्लड लाइन है, ठीक है, आप उनमें फिर इन ब्रीड कर देंगे तो आपको क्या फायदा होगा उसका, ठीक है। अपने अपने ये वे में रखना है कि हमने इन ब्रीडिंग बिल्कुल करनी नहीं, अगर जरूरत पड़े तो हम एक जनरेशन तक ज्यादा ज्यादा करें और तो आगे जनरेशन को ना इन ब्रीड करवाएं, ठीक है। उसके बात करते हैं नुकसान में इन ब्रीडिंग के, ये मैं आपको फायदा पहले बता देते हैं। पहले एक फायदा हो गया कि हम उसे जो है कम पैसे बजट में अपनी जो म्यूटेशन एक खुद भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हो गया कि हमारी एक जो म्यूटेशन यानी कि हम बना सकते हैं उसके साथ इन ब्रीड करवा करवा के, ठीक है, उसका फिर जो जो होगा ना नुकसान पहला निकलेगा, बच्चे की ब्लड लाइन कमजोर होगी, ठीक है, या जो अंडा होगा हमारे पास वो अनफर्टाइल होगा, वो बार बार डेडिंग सेल होगा, ठीक है, डेडिंग सेल होगा। अगर बच्चा एक अंडा सर्वाइव कर भी गया है तो हमारा बच्चा जो है मर जाएगा, यानी कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये वो वजह होती है इन ब्रीडिंग करवाने की, ठीक है। अगर तो हम इन ब्रीडिंग का नाम ही ना लें, ठीक है, थोड़ा सा वेट करके वजन डालना पड़ेगा हमें, ठीक है, आप दूसरा बल लें उसके साथ प्रयत्न करने की कोशिश करें, ठीक है। इन ब्रीडिंग के 100 मसले हम सारे होते हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या मैंने आपको बता ही दिया है। पहले दोबारा कम कर लेते हैं, पहला ज्यादा अनफर्टाइल भी आएगी, ठीक है, उसके बाद डेडिंग सेल होंगे, डेडिंग सेल नहीं भी होते, ठीक है, अंडा सर्वाइव कर देता है, बाद क्या होता है एक साथ अंडे 5 अंडे दिए हैं तो 1 या 2 अंडे जो है सर्वाइव कर देते हैं, बच्चा निकलेगा वो मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा निकल भी जाता है, ठीक है, उसके सर्वाइव भी करता है,
ज्यादातर से सॉन्ग का मसला होगा, ठीक है। अगर कई बार देखेंगे अल्बानो देख लो, ज्यादातर मैं अल्बानो में देखने आया, उनके पाँव टेढ़े होते हैं, ठीक है, ना उनकी फ्लाइंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। बता रहे तो एक बात है, उसके पाँव टेढ़े होंगे, ठीक है, फ्लाइंग इसी तरह से नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसकी जो मोटैलिटी होगी, उसकी सवाल वगैरह करने में जिससे जो है सवाली आएगी, जब से बच्चे निकलते भी हैं बल तो आएंगे नहीं, अगर निकल भी आते हैं समझ लेंगे अगर वो बच्चा भी कमजोर होगा। आप अगर आपके पास अगर ऐसा आपने ले भी लिया बर्ड, ठीक है, जो ऐसा है, तो आप उसे प्योर ग्रीन फिशर के साथ सेटअप करें, क्योंकि ग्रीन फिशर डोमिनेंट है, अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का है, या आप कोई भी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन को लेकर तो बर्ड के साथ सेटअप करके स्पीड बना दे, इससे जो है अपनी म्यूटेशन में अच्छे पैसे दे जलाकर, ठीक है, मेरे अच्छी म्यूटेशन बनाकर, अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाकर उसे आप ब्रीड करवाएं, ठीक है। मैं ये भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी नॉलेज, मैं जानता हूँ कि आप भाइयों के पास अच्छा नॉलेज है मेरे से भी ज्यादा, बट थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ना, जब तक आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, आप दूसरों को बताएं, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और दूसरों का नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप भाई मेरे रिमाइंडर आएंगे तो मेरी वो गलती भी ठीक होगी। अगर कोई गलती बताई हुई हो तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। एक भी बता दूं, हम तीन जनरेशन तक जो है तीन ब्रीडिंग कर सकते हैं। जो फिंचेज वाले भाई हैं, ठीक है, वो ज्यादातर कर लेते हैं, वो कहते हैं पर अगर हम नहीं करेंगे ना, हमारे पास ये म्यूटेशन नहीं बनती, ठीक है। नए म्यूटेशन बनाने के लिए जो है ना इन ब्रीडिंग करनी पड़ती है। ये अंग्रेज भी मेरे ख्याल से कमेंट मुझे, मैंने इन ब्रीडिंग पे वीडियो बनाई थी पहले, शायद मेरे को चैनल मैंने बंद कर दिया, ठीक है, उसको इतने व्यू नहीं आ रहे थे ना, सब्सक्राइबर आ रहे थे, जिस वजह से मैंने वो बंद कर दिया। उसमें उस अंग्रेज ने कमेंट किया था, यार हम इन ब्रीड कर सकते हैं, मेरे पास पेड़ लगे हुए हैं, मैं कहीं होता होगा, ठीक है, पर आपके सामने ही है जो मैंने आपको बताया, ये चीजें जो है मैं फेस करनी पड़ती है, ठीक है। मैं उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैं वीडियो पे चैनल पर ज्यादातर सिलिब्रिटीज बट शेयर करता हूँ, ठीक है, मेरे बिजनेस प्लान, मेरे बिजनेस आइडिया जो है ज्यादा देता हूँ, ठीक है। आप अगर वो बिजनेस आइडिया देना चाहते हैं तो आप फटाफट जो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और भी इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीजन जा रहा है, जो भी दुश्वारियां महसूस होंगी हमें या आप दोस्तों को होंगी तो आपके साथ शेयर की जाएगी, उसका हल भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो खत्म करते हैं, अपने बंदरों को खूब प्यार रखिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।